देखा देखी दिल मेरा चुर गया रे, काले के परदेसी दिल उड़ गया रे। तेरे पास तेरी सांसों में समाऊं, तेरे पास तेरी सांसों में समाऊं, तेरी नींदें चुरा लूं। चम्मा 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 बाजे ना तोरी बैजनिया। पितामह के सामने धीरे धीरे जाना, बैजनिया बजनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, बैजनिया क्यों नहीं बज रही है? क्यों? तेरा ध्यान कहीं है, मन कहीं है, तन इधर है, इसलिए स्वरताल से ना चम्मा चम्मा बाजे बैजनिया। ध्यान दीजिए, आइए प्रयास कर रही हूँ और जवाब सुने बहन जी। सुनिए बहन जी, कहानी तो सभी लोग जानते हैं। कौन सी? राधा जी और कन्हैया जी के मिलने पर लोगों ने पाबंदी लगा दी। नोटिस जारी है, कहा ना कन्हैया राधा से मिलेंगे ना राधा कन्हैया से मिलेंगे। लेकिन रात के समय राधा जी अपने घर से निकली तो सोच क्या रही है? रात में जाना जाऊं तो विचार कर रही है क्या? क्या धरू ऐसे चरण नहीं सुने सजन के। Yeah.
बाजे ना मोरी भाईजनिया। मुझे बिल्कुल धीरे धीरे कदम रखते जाना होगा। रास्ता बहुत कठिन है बेटे, कहीं ऐसा ना कि चम्मा चम्मा मेरी भाईजनिया बजने लगे और मेरे पिया जाग जाए। तो कहा उनसे मिलने जाऊं उनके प्रेम में रंग जाऊं मैं तो अपने कन्हैया के, उनसे मिलने जाऊं उनके प्रेम में रंग जाऊं वही होर ना हो जाए तो चम्मा 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 तो चम्मा चम्मा बाजे ना मोरी। अब यहाँ भाव निकल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि छम्मा छम्मा मेरी बच जाए बैजनिया, कहीं बैजनिया ना बच जाए। दूसरा भाव क्या है? भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ भगवती से जिद कर बैठे, कहा भगवती तुम रोज रोज अकेले रासलीला देखने चली जाती हो, आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। माता ने कहा स्वामी स्वामी आप मेरे साथ चलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है, रासलीला में केवल महिलाएं जाती है पुरुष नहीं जाते हैं, तो आप वहाँ कैसे जा पाओगे? अरविंद भाई कैसे जाओगे? भोलेनाथ से माता ने बताया कि केवल महिलाएं जाती हैं, और अगर आपको जाना है तो ये गंगा भुजंगा पाघंबर मुंडों की माला चंद्रमा ये सब त्याग करके आपको भी घाघरा चोली पहनना पड़ेगा। अरविंद भाई देखे हुआ क्या, जब कहा कि आपको भी चुनरी चोली पहनना पड़ेगा, भोलेनाथ तैयार हो गए, घगरा चोली पहन के तैयार हो गए और भगवती के साथ में पहुंच गए रासलीला में। वहां जाकर के देखा क्या, खड़ी अकेली नाचने लगी, बेचारे भोलेनाथ किनारे में खड़े होके चुपचाप, कन्हैया की नजर पड़ी, कन्हैया सोचने लगी ये कैसी गोपी आई है, कौन सी गोपी है, सब गोपियां तो नाच रही हैं, लेकिन ये अकेली काहे खड़ी है, इसके सर पर टोपी है। विचार करने लगे कन्हैया, सोचने लगे के खड़ी है अकेली ना सखी सहेली तो रास क्या रास नहीं, इस गोपी को क्या मेरी रास रास नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, घूंघट लटकाए खड़ी शर्माए क्या मौका खास नहीं। कन्हैया सोचने लगे क्या, भोलेनाथ अकेले खड़े हैं कोने में, तो कन्हैया ने सोचा नहीं नाचेगा नहीं ठुमका लगाए नहीं नाचेगा नहीं ढुमका लगाए खड़ी मुंह लटका
Thank you.